हिसार से आदमपुर के कांग्रेसी विधायक कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई रत्न देने के मामले में बिश्नोई समाज के लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसको लेकर बिश्नोई समाज के लोगों ने रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर बिश्नोई मंदिर में कुलदीप बिश्नोई को रत्न दिए जाने के विरोध में बिश्नोई समाज के लोगों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर हिसार के क्रांतिमान पार्क में रोष प्रदर्शन किया। आदमपुर के बीजेपी नेता मनोज पाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मनोज पाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई को ही क्यों दिया गया है बिश्नोई रत्न अवार्ड। बिश्नोई समाज के काफी अन्य लोग भी हैं जिन्होंने समाज हित के लिए नेक के कार्य किए हैं, वे इस अवार्ड के हकदार हैं। कुलदीप बिश्नोई इस अवार्ड के हकदार नहीं है। मनीराम गोदारा के भांजे व आदमपुर से बीजेपी नेता मनोज पाल बिश्नोई ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कथित लोगों ने राजस्थान के मुकाम में बिश्नोई रत्न की उपाधि कुलदीप बिश्नोई को दी है, इसमें समाज के सभी लोगों की सहमति नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उन्हें यह उपाधि दी गई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को बिश्नोई रत्न की उपाधि दी गई थी। उन्होंने जनहित में सामाजिक व विकास कार्य करवाए तथा बिश्नोई समाज के हित में सदैव काम किए थे, परंतु कुलदीप ने ऐसा क्या करके दिखाया है। मनोज पाल ने कहा कि भूपेंद्र कुमार खिचड़ जिन्होंने ढाका व पाकिस्तान पर दुश्मनों पर अटैक करने का काम किया था, इनको दो बार वीर चक्र मिल चुके हैं। देखो जी, आज के लिए हमारे ये जन्माष्टमी का दिन है, मुझे लगता है कि पहली दफा ये हमारे समाज के हिसाब से और मेरे जब तक जो आज तक ये जो हमने जन्माष्टमी जो गुरु जम्बेश्वर महाराज के हमारा पावन धरती पर जन्म हम जन्म दिवस मनाते थे, उस हिसाब से आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा काला दिवस है ये। जब से हमने हमारे समाज के अंदर एक नेपोटिज्म का काम चल पड़ा है कि परिवारवाद के अंदर इन्होंने हम आज इसका बड़ा खंडन कर रहे हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई रत्न लिया गया है, इसने पूरा लॉकडाउन का अपना फ़ायदा उठा करके बिश्नोई रत्न लिया। आज भी इन्होंने बिश्नोई मंदिर हिसार के अंदर जो अपना प्रोग्राम रखा है उसके अंदर कुछ ही लोग जो इन्हीं के कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो इनके साथ चलने वाले थे उन्हीं को बुलाया गया, हालांकि समाज के बहुत उच्च लोग थे जिनको ये मिलना चाहिए था। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा, अपना इसको इस बिश्नोई मंदिर के अंदर हमेशा से इस मंदिर को जो बनाया गया था उस टाइम में ये ज़मीन अब चौधरी सोनलाल जी जंवर ने इसको दान में दी गई थी ज़मीन में, इसका चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर हमारे को जो है इसका फंड देने का, चौधरी बंसीलाल जी का था उस टाइम में, कितने महान नेता थे, चौधरी मणिराम जी गोदारा का योगदान था, उनके किसी परिवार को किसी को नहीं बुलाया गया और इसने पूरा अपना लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते अपना बिश्नोई रत्न लेने का काम करा। हम इसका खंडन करते हैं, बिश्नोई होने के नाते मैं करता हूं खंडन और आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके हम इसको अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये आज का ये जो जन्माष्टमी का दिन था ये हमारे लिए काला दिवस है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिश्नोई रत्न लेने के लिए हमारे समाज के बहुत उच्च लोग बैठे हैं, हमारे समाज के बी के बिश्नोई जी थे जिनको दो बारी अपना वीर चक्र मिला गया और जिनको जिन्होंने ढाका की लड़ाई के अंदर अपना सन 1971 के अंदर और सन 1965 के अंदर एज ए फाइटर पायलट उन्होंने जो देश के लिए काम करा गया था, आज भी किसी ISIPS के या किसी भी क्वेश्चन चलते हैं या हमारे देश के अंदर एक क्वेश्चन चलता है कि तीन मिनट बहुत ही आपके देश को समाप्त करने के लिए, वो बी के बिश्नोई जी का फाइटर पायलट जी का नाम चलता है, आज भी वो जिंदा है। सही राम जी बिश्नोई जो धारनिया जी हैं वो पहले 57 के अंदर सेकेंड बिश्नोई विधायक बने थे, पहले विधायक चौधरी मणिराम जी गोदारा बने थे, सेकंड विधायक अब सही राम जी धारनिया बने थे, जिनको ये पूरा हक उनको बनता है कि उनको बिश्नोई रत्न दिया जाए। 58 की ईयर के अंदर वो आज भी हमारे इस देश के अंदर हमारे सामने हैं और जिन्होंने महासभा बिश्नोई महासभा बनाने का सबसे बड़ा योगदान उनका था और जो मुकाम के अंदर चौक बनाया गया था वो उन्हीं के कार्यशाली से बना गया था। हमारे DGP जो हमारे महाराष्ट्र के DGP थे, अनेकों जगह उन्होंने ये अपना नक्सलाइट एरिया के अंदर काम करा, उन्होंने बहुत से टाडा के लोगों को अरेस्ट करा, उनको नासिक के अंदर जो कुंभ मेला था उनको उनके उसमें ड्यूटी लगी थी उनको बनाना उनको देना चाहिए था। अनेकों लोग हमारे हैं, पूनम चंद बिश्नोई जो सलमान खान के ऊपर जो गवाह बने थे जिनको करोड़ों रुपये की मतलब की राशि देने का काम करा था, रिश्वत देने की बात करी थी कि वो गवाह नाट जाए लेकिन किसी हालत से वो गवाह नहीं नाटे, उन्होंने ठोक बजा करके गवाही दी। अनेकों हमारे
समाज के लोग हैं जिन्होंने, हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए काम करा है, पर्यावरण के लिए काम करा है, जीव रक्षक के लिए काम करा है, उनको देना चाहिए। राजस्थान के बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस काम के लिए हमारे समाज के लिए जो काम करा है। हमारे समाज के अंदर जो विष्णुदास बिश्नोई थे उनको क्यों नहीं दिया गया ये बिश्नोई रत्न? देखो, मैं हमारे बिश्नोई लोगों को पूरा जागरूक करना चाहता हूँ, नौजवानों को। अब ये ज़माना चला गया परिवारवाद का, इस हिसाब से तो यही चलेगा। इन्होंने पहले इन्होंने अपने परिवार के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। जब भी इनकी अपनी पार्टी खड़ी करी, इन्होंने हज का पार्टी खड़ी करी, तो उसके अंदर ही पूरे परिवार के लोग ही थे, जिसमें एक उनके खुद की धर्मपत्नी ये रेणुका जी हांसी से खड़ी कर दी, दुड़ा राम जी को खड़ा कर दिया उन्होंने वहाँ से, अपना फतेहाबाद से खुद आदमपुर से खड़े हो गए, चंद्रमोहन जी को नलवा से खड़ा कर दिया। सिर्फ परिवारवाद, नेपोटिज्म, ये कब तक हम सहन करेंगे? ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करके रहेंगे। हमारा यही है मेरे नौजवान साथियों को, हमारे बिश्नोई समाज के लोगों को, कि हम इसके खिलाफ़ एक मुहिम चलाएं। अगर इन्होंने पूरे महासभा पे अपना कब्जा कर रखा है, तो एक हम पैरलर एक और हमारा महासभा, जैसे बिश्नोई का कोई हम एक नाम दे करके बिश्नोई संघर्ष समिति के हिसाब से हम काम करें, ताकि एक पैरलर हमारा हम ये काम कर सकें समाज के लिए, समाज के लिए हम काम कर सकें। और जिन लोगों को वंचित रह चुके हैं, उनको हम खुद अपने तरफ से करेंगे, कोशिश करेंगे कि समाज का जब ये लॉकडाउन का पूरा हट जाएगा, तो उसके बाद में हम समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको महा बिश्नोई रत्न देने का काम करेंगे। सही राम जी धारनिया हो गए, हमारे बीके बिश्नोई जी हो गए, जो जिनको दो दफ़ा वीर चक्र मिला हुआ है। हमारे समाज के लोगों को इतना अभी तक, एक हमारे फ्रांस के स्विट्ज़रलैंड के ब्रॉनी बिश्नोई बने हैं, जिन्होंने अनेकों काम करे हैं यहाँ पर रह करके, वहाँ अपने स्विट्ज़रलैंड के अंदर जा करके वो बहुत जागरूक कर रहे हैं वहाँ के लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, कि बिश्नोई धर्म के लोग बनो। उन लोगों को देना चाहिए था ये बिश्नोई रत्न। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।